नमस्कार दोस्तों, मैं हूं झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से हाउस डिजाइन के। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कमेंट किया, उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को क्रिएट किया गया है। बहुत ही छोटा प्लान है, अगर आपका भी एक ऐसा प्लान है तो आप इस हाउस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लो बजट में, सिंपल लुक में और एक बेहतरीन सा डिजाइन बनाने की मैंने कोशिश की है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमारी पेड सर्विस को लिया है, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो चलो आज के मॉडल को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना स्मॉल हाउस को, तो आप जरूर कर लें, कि अगर आप भविष्य में घर बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बेहतरीन से नक्शे घर के डिजाइन पा सकते हैं। तो चलो पूरे मॉडल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने स्क्रीन पे हमारा थंबनेल देखा होगा, आज उसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक पेड सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें एक कॉन्टेक्ट किया था मॉडल का। उनका जो फ्रंट का एलिवेशन है आप देख सकते हैं, ऐसा मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। और बहुत ही छोटा सा उनका प्लाट है, लगभग इनका 16 फीट के अप्रॉक्स में फ्रंट है। और गहराई की बात करें तो पीछे से दोस्तों ये ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है मॉडल, यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप इसका पीछे स्पेस है, और फ्रंट से हालांकि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में इनका डिजाइन बना हुआ है। तो इसी मॉडल का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इनका जो भी प्लान था, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करने के बाद उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इस मॉडल को डिजाइन किया है। तो फ्रंट से अगर हम बात करें, उनको एक गेट चाहिए था और उसके साथ विंडो प्रॉपर तरीके वेंटिलेशन के लिए, और एक छोटा सा शॉप दुकान चाहिए था उनको फ्रंट में, तो वो मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। और ऊपर उनको प्रॉपर तरीके जो छज्जा 2 से 2.5 फीट का बाहर निकलता है उसको भी कवर करना था घर में, मतलब कि जो बेडरूम वगैरह था उसी में कवर कर लेना था। तो ये पूरा मॉडल देख सकते हैं, फ्रंट से अगर आप देखें तो ऐसा दिखेंगे। और 3 साइड क्लोज प्लाट है उनका दोस्तों, क्योंकि आसपास उन्होंने कोई भी विंडो नहीं रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी कुछ आपको अंदर दिखाई पड़ रहा होगा, 1 से 1.5 फीट अप्रॉक्स अंदर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर पूरा होने वाला। मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। ये आपका मेन डोर है और इसके साइड में एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर भी विंडो टाइप का आपको दिए हैं जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और ये आपकी स्टेयर केस, सॉरी आपका शटर लगा हुआ है शॉप में। तो जैसे आप अंदर जाते हैं तब आपको देखिए सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिलती हैं, जो कि आप इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे हों और टर्न होकर फिर बाहर की तरफ भी आ जाएंगे। उसी के नीचे डोर लगा है और उसके नीचे फ्रंट में भी डोर लगा है। तो ये दोस्तों स्टेयर्स बनवाते समय आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि स्टेयर्स की हाइट एटलीस्ट वहाँ पीछे पहुँचते पहुँचते 6.5 से 7 फीट हो जाए, क्योंकि आपको उसके नीचे डोर लगाना है। अगर आप डोर नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसको बनवाते समय आपको इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा स्टेयर्स को बनवाते समय। उसी के नीचे दोस्तों इस शॉप में भी मैंने एक डोर दिया है, अगर आप अंदर से ही शॉप में एंट्री करना चाहते हैं तो ये डोर है, इससे आप अंदर से इसमें प्रवेश कर जाएंगे। बाहर से शटर भी दिया है। इसके बाद इस स्टेयर्स के नीचे आपको एक मैंने और गेट दिया है, ये देखिएगा इधर से, अब मैं आपको दिखाऊंगा तब आप अंदर आ पाएंगे। ये उनका एक बेडरूम समझिएगा, डाइनिंग हॉल समझिएगा, प्रॉपर तरीके से बना है। ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों पीछे वाला एरिया ट्रायंगुलर शेप में है, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया ये लेट एंड बाद में, और ये एक ऐसे ओपन स्पेस मैंने बना रखा है ओवरऑल। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों फर्स्ट फ्लोर यहाँ फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, जो लगभग 2 से 2.5 फीट का आगे छज्जा निकाला है उसको भी इसी बेडरूम में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। उसमें एक प्रॉपर विंडो वेंटिलेशन के लिए इधर भी विंडो दिया है, जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो इस डोर से आप अंदर आ पाएंगे। तो ये आपका एक दोस्तों हॉल टाइप का डिजाइन किया है, इधर आपकी किचन है और ये लेट बाद बिल्कुल जहाँ पहले था वहीं पर बना हुआ है, ये आपका ओपन स्पेस बनता है। और लास्ट में दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने ऊपर गुमटी बना रखी है, जिससे आपका बरसात में पानी वगैरह ना जाए। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान, 16 ग्राज लगभग 31 फीट का अप्रॉक्स बनेगा एरिया, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है। तो अगर आप भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ये लुक आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो का जो नक्शा है इसका पूरा समझ में आया होगा। और अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। और साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मॉडल्स या आपका इस्टीमेट वगैरह जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।